नमस्कार, मैं उरेनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं एसबीटी लाइव न्यूज। धार जिले के कुक्षी से सोशल मीडिया पर एक वीडियो और ऑडियो वायरल हुआ। इस वीडियो और ऑडियो वायरल होने के बाद पुलिस और प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल ये वीडियो एक महिला जो कि कुक्षी की रहने वाली है उनके द्वारा जारी किया गया, जिसमें उन्होंने कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार पर अपने पति को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए और उनके पति की गुमशुदगी उन्होंने कुक्षी थाने पर दर्ज भी करवाई गई है। इस मामले में जो ऑडियो और वीडियो जारी हुआ है उसके वीडियो की डिटेल हम जस की तस आपको बता रहे हैं। वही कुक्षी एसडीएम विवेक कुमार ने अपने ऊपर लगाए इस वीडियो व ऑडियो में लगाए गए आरोपों को गलत बताया है। वही थाना प्रभारी कमल सिंह गहलोत ने बताया है कि गुमशुदगी उनकी पत्नी ने दर्ज करवाई है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज। राजेश धारीवाल मेरे पति को कुक्षी विवेक कुमार जी एसडीएम द्वारा और उनकी पत्नी द्वारा किराना के लेन देन में प्रताड़ित किया गया है। उनको अपशब्द कहे गए हैं और वो प्रताड़ित होकर गुमशुदा हो गए। 2 दिन से लापता है, उनका फ़ोन बंद आ रहा है, उनसे कोई कांटेक्ट नहीं है। और मैं वो फ़ोन पर लास्ट हमारी बात हुई कि उसने रिकॉर्डिंग में वो अप्रिय बातों की चर्चा कर रहे थे, बोल रहे थे कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार एसडीएम और उनकी पत्नी रहेंगे। और मैं गुमशुदगी की रिपोर्ट मैंने थाने में दर्ज करवाई है, जिसकी फ़ोटो मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। और जो हमारी बातचीत हुई है जिसमें अप्रिय घटनाओं का उन्होंने जिक्र किया है, उसकी ऑडियो भी मैं आपको प्रेषित कर रही हूँ। मैं आपसे मदद की उम्मीद करती हूँ। डर बैठ गई थी, कोई भरोसा नहीं, एजेंट साहब कब आ जाएं, पूरा काम कंप्लीट है। ये तो मैं ऑडियो और वीडियो में भी आश्चर्य मान रहा हूँ कि आईएएस से जुड़ा हुआ मामला। और आप इसका बैकग्राउंड ये है कि ये जो व्यक्ति हैं इनका नाम है राजेश धारीवाल और इनकी पुलिस थाने के पास में एक अपनी दुकान है और फिर वहाँ से मेरे घर पर भी सामग्री आई है कुछ दिन। तो सबसे पहले इनके द्वारा फ़ोन के माध्यम से मेरे परिवार वालों के साथ में अभद्रता की गई और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद वो स्वयं एसडीएम बंगले पे आए और फिर एसडीएम बंगले पे भी उन्होंने अभद्रता की है। और जहाँ तक कार्रवाई का सवाल है, वहाँ पे शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। और जो भी उनके बिंदु हैं, मैंने भी आज सुबह वो वीडियो और ऑडियो देखा, तो उनके सारे के सारे बिंदु जो हैं वो झूठ हैं, गलत। और मेरी तो इनफैक्ट उनसे अपील पर यही रहेगी कि आपके कारण आपके परिवार वाले भी परेशान हो रहे हैं, आप अपने परिवार वालों की चिंता करते हुए अपने घर पे वापस आएं। अगर आप अपने घर से बाहर हैं तो, और अगर आप शहर से बाहर हैं तो आप अपने घर पे वापस आएं और फिर आप अपने परिवार का ख्याल रखें। और जो भी आपका दुकान है, जो भी आपका धंधा है, उसको सुचारू रूप से चलाएं, जो कि शायद से अभी भी चल ही रही है, मतलब जैसी कि मेरे पास में सूचना है। और शासन प्रशासन पुलिस के माध्यम से ना ही कोई इस मामले में कार्रवाई हुई है और फिर ना ही भविष्य में होगी। मामले में जो ऑडियो और वीडियो वायरल हो रहे हैं जी, उसकी ओरिजिनल सत्यता क्या है सर? देखिए, कल थाने में राजेश धारीवाल जी की पत्नी है प्रीति, श्रीमती प्रीति धारीवाल जी, वो थाने में आई थी और उनका ये कहना था कि उनके पति राजेश बगैर कहीं बताए घर से लापता हो गए हैं और वो एक्चुअली व्यापारी हैं, किराना व्यापार है उनका। और एसडीएम साहब के यहाँ पे कुछ किराना सामान देने या सामग्री को प्रदाय करने की बात को कुछ लेके कहीं कुछ बातचीत हुई, ऐसी कुछ जानकारी मिली है। और फिलहाल हम लोग उनका पता लगा रहे हैं, गुमशुदगी दर्ज करके जानकारी ले रहे हैं कि कहाँ है, कॉल डिटेल वगैरह पता कर रहे हैं।